सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। जो भी करूंगा लेकिन तुम पर आंच नहीं आने दूंगा। सचल, तुम एरा की बहन होने के नाते मुझे बहुत अजीज हो। इसके अलावा तुम मेरी एक बहुत प्यारी सी दोस्त भी हो, इसलिए कोई बहस कोई सवाल नहीं। जो पूछ रहा हूं वो बताओ। आंख लग गई थी। कोई बात नहीं, शहीर आ गए? शहीर को लेने ड्राइवर एयरपोर्ट से गया हुआ, आ रहे होंगे। अच्छा ठीक है, जैसे शहीर आ जाए ड्राइवर से कहना मुझे भी छोड़ दें, बहुत देर हो गई है। अब इतनी भी जल्दी क्या है तुम्हें घर वापस जाने की? शहीर से तो एटलीस्ट मिल लेना, और तुम्हें दादी जान भी बुला रही है, हमारे साथ रात को खाना खाए बगैर तुम नहीं जाओ। अच्छा ठीक है, फिर मैं उनके पास बैठती हूँ, तुम यहाँ तसल्ली से तैयार हो जाओ, ठीक है? साबरा, तुमने मेरे कपड़े वॉश कर दिए? जी मैंने वॉश कर दिए, बस प्रेस करना बाकी है। अच्छा ठीक है, जाओ तुम प्रेस करो और ये मुझे दे दो। अरे आप बीबी कैसे करेंगी, आप तो मेहमान हैं इस घर में। मैं कहाँ की मेहमान हूँ, मेरी बहन का घर है। अब थोड़ा बहुत काम भी कर लिए तो क्या हो गया, जाओ कपड़े प्रेस करो, मुझे देर हो रही, मुझे जाना भी है, जल्दी करो। जी अच्छा। मेरे वेलकम की तैयारी हो रही है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक शेख। वालेकुम अस्सलाम। मुझे लगा तुम खड़ी हो, तुम्हारे जैसे कपड़े पहने इसने। वैसे तुम ठीक हो? तुम्हें पता है घर आते ही सबसे पहले मुझे तुम्हारा चेहरा देखना होता है। मैं तो ऊपर तैयार हो रही थी, मुझे क्या पता कि आप इतनी जल्दी आ जाएंगे। तुम्हारे बगैर रहा ही नहीं क्या, चला आया वापस। एक मीटिंग तो घर आने के चक्कर में कैंसिल कर दी मैंने। I missed you too a lot. आप लोग अपने बेडरूम में नहीं बल्कि कॉरिडोर में खड़े, जहाँ पे कुछ और लोग भी हैं, तो ठीक कह रही है। वैसे भी आजकल हर दूसरी औरत पे मुझे अपनी बीवी होने का गुमान हो रहा है। सजल तुम प्लीज खाना लिखवा दो, हम लोग अभी आ रहे हैं। हाँ साबरा, कहाँ? और आपका ट्रिप कैसा रहा? बहुत अच्छा था।